अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आज हम किसी भी पोस्ट को या किसी भी लिंक को बुकमार्क कैसे करते हैं तो वो बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले कि बुकमार्क किसे कहते हैं। बुकमार्क यानी वो निशान होता है कि जो हम अपने किताब में रखते हैं कि हमने ये किताब कहाँ तक पढ़ी है, तो उसमें जो एक निशान होता है, एक मार्क होता है, उसे बुक मार्क कहते हैं। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं इस पिक्चर, इस तस्वीर में ये जो निशान नज़र आ रही है, ये इसका बुक मार्क है। तो आप ये जो येलो, ग्रीन और ऑरेंज और रेड कलर के देख रहे हैं जो स्ट्रिप्स, ये सारे बुक मार्क्स हैं। इस बुक की यानी एक निशान एक है कि कहाँ, यानी कहाँ से अब नेक्स्ट पढ़नी है इसको। तो ऐसे यानी किताबों में इस तरह इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ही आप देख रहे हैं, ये भी एक बुक मार्क, एक किताब की निशान जैसी ये भी है कि अब यहाँ तक इसने पढ़ा है 137 पेज तक, अब इसने यहाँ निशान रख दी है। कि ये जो बुक मार्क इसलिए है कि ये आपके काम को आसान बना देता है कि अगर आपके पास बुक मार्क नहीं होगा, किताब में आप निशान नहीं रखोगे, तो आपके लिए ये मुश्किल है कि हर वक्त आप उसको ढूंढो, पेज को ढूंढो, सफ़े को ढूंढो, कहाँ से पढ़ना है। तो ये आपकी आसानी के लिए है। तो ऐसे ही हमारे मोबाइल, हमारे कंप्यूटर में भी एक ऐसी सहूलत रखी गई है कि जिसके ज़रिए से हम हर बार कोई लिंक टाइप करने के बजाय, बल्कि उसको भी एक निशान रख देते हैं, यानी उससे महफूज सेव कर देते हैं। तो उस सेव रखने से हमारा एक बुकमार्क बन जाता है, तो जिससे हमारा नेक्स्ट अगला काम आसान हो जाता है। तो उसी बुकमार्क के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो बुकमार्क कैसे बनाएं, जैसे आप देख रहे हैं ये एक लिंक है, तो ठीक है ना, यानी ये एक वेबसाइट है, एक न्यूज़ साइट है, ये उसकी लिंक है। अब बार बार मुझे यहाँ से न्यूज़ लेनी है, मुझे न्यूज़ पढ़नी है, अब बार बार मैं इसको टाइप नहीं करूँगा, बल्कि मुझे सिंपली मैं इसको बुकमार्क करूँगा। बुकमार्क कैसे करूँगा, सबसे पहले ये जो आपने रेड ये एक दायरा एक बना है और इस लिंक के यानी गहरा है इसने, हम इस ये जो लिंक दी है http://www.knskashmir.com, हम इस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने इस पर क्लिक की तो ये एकदम ओपन हो जाएगी, ओपन हो जाने का ऑप्शन आएगा। आप देख रहे हैं ओपन विद क्रोम, सैमसंग इंटरनेट, इंटरनेट यूसी टर्बो, ये ब्राउज़र है कि किस ब्राउज़र में आप इसे ओपन करने जा रहे हो। तो हम किस में करेंगे, जिसके ऊपर ये रेड निशान लगाया है, ठीक है ना। तो हमने क्रोम पे हमने क्लिक की, तो ठीक है, आप देख रहे हैं ये लिंक ओपन होगी, कश्मीर न्यूज़ सर्विस, लेटेस्ट न्यूज़, ठीक है ना, ये सारी लिंक अब ओपन होने जा रही है। देखो जेके रिपोर्ट्स 285 न्यू पॉजिटिव। अब हम इसको बुकमार्क करना है, तो बुकमार्क करने के लिए कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आप ये देख रहे हैं निशान, ये आपके डेस्कटॉप में, आपके पीसी में, आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल में, क्रोम ब्राउज़र में ये राइट साइड में ये तीन डॉट्स नज़र आएंगे, ठीक है ना। इन तीन डॉट्स पे हमें क्लिक करेंगे, जिनके ये रेड निशान लगाया है, तो इस पर हम क्लिक करेंगे, तो उन रेड डॉट, उन डॉट्स पे क्लिक करने से हमारे सामने एक विंडो, एक पॉपअप विंडो एक खुलेगी, ओपन होगी। तो उसमें ये ऑप्शन होंगे, ठीक है ना, जैसे आप देख रहे हैं ये सारे ऑप्शन होंगे। तो अब हमें क्या करना है, तो हम सीधे ये जो स्टार है, ठीक है ना, स्टार पे हम क्लिक करेंगे, यानी ये जो पेज है कश्मीर न्यूज़ सर्विस का, ये हमें बुक मार्क बनाना है। तो हमने राइट साइड वाले तीन डॉट थे उन पर क्लिक की और वहाँ से ये पॉपअप विंडो खुल गई, ओपन हुई। तो हमने ये जो स्टार है जिसके इर्द गिर्द
ये एक रेड निशान लगा है, हमने इस पर क्लिक की। तब जैसे हम इस पर क्लिक तो फौरन ये बुक मार्केट, ये आपको उस पेज के उस डॉक्यूमेंट के बॉटम में ये नज़र आएगा कि आपका ये लिंक, आपकी ये लिंक, आपकी ये डॉक्यूमेंट बुक मार्क हो गई है। ठीक है, अब इस बुक मार्क को खोलने के लिए, दोबारा से देखने के लिए हमने फिर ये जो तीन डॉट्स हैं राइट साइड में, इन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने इन पर क्लिक की तो वहाँ से फिर वही वाली विंडो खुल गई। तो अब ये जो हमारा पेज ओपन है ये बुक मार्क्ड है, तो इसलिए ये ब्लू स्टार हो गया है। ठीक है ना, अब हमने देखना है कि हमारे बुक मार्क में और क्या क्या है, ये कहाँ सेव हुआ है। तो हम ये जो बुक मार्क्स है इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हम इस पर क्लिक तो वहाँ से ये वाली विंडो खुल गई। ठीक है ना, मोबाइल बुक मार्क्स क्या क्या इसमें मैंने रखा है, सैमसंग मोबाइल, ये एक बुक मार्क है, कोर्सेज हैं, क्लासरूम, गूगल। तो ये वाला जेके रिपोर्ट्स 25 न्यूज़ न्यू पॉजिटिव केस, ठीक है ना, ये एकदम खुल गई। तो अब हमने इसको मूव करना है, इसको एडिट करना है, इसको डिलीट करना है। तो कैसे करेंगे, तो इस साइड वाले जो भी इनके सामने है, ठीक है ना, तीन डॉट्स हैं, थ्री डॉट्स हैं, ये इन पर हम क्लिक करेंगे। इन पर क्लिक करने से क्या होगा, हमारे सामने एक और विंडो खुल गई, ये वाली विंडो हमारे सामने खुल गई। ठीक है ना, तो वहाँ सेलेक्ट है, एडिट है, मूव है, डिलीट है, हमने डिलीट करना है तो डिलीट पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही डिलीट पे क्लिक हुई तो डिलीटेड जेके रिपोर्ट्स 285 न्यू पॉजिटिव केसेस, ये डिलीट हो गया। तो अब इसको अनडू करेंगे तो ये वापस आ जाएगा वहाँ ही। तो ठीक है ना, ये हमारा बुकमार्क है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आएंगे आप नेक्स्ट एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।